प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में टेक सीईओ और गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने एआई क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों से बैठक की। बैठक में एआई और सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीकी डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। वहीं सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अहमियत को रेखांकित किया। जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है, अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमेंटेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमेंटेनियस कैसे काम करे, क्योंकि तो बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शहरी जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। इस समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है।